तो दोस्तों फाइनली जियो फोन में व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद आ चुका है अपडेट यूट्यूब का। जी हाँ, अब आप अपने जियो फोन में यूट्यूब एप्लीकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन यूट्यूब का यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जियो फोन में, चाहे वो जियो फोन 2 हो या जियो फोन हो, उसमें यूट्यूब का ऑफिशियल एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो। तो फटाफट घुसते इस वीडियो के अंदर, देखते हैं कि और क्या है इस वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद इस घंटे को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें शेयर बटन पे क्लिक करके। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने जियो फोन में यूट्यूब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपके जियो फोन का जो सॉफ्टवेयर है यानी कि iOS, उसको आपको अपडेट करना होगा अपने जियो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिवाइस का। डिवाइस वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिवाइस की जानकारी, और ऊपर मिल जाएगा LYF सॉफ्टवेयर अपडेट, बीच वाले की प्रेस करके इसको अपडेट करना होगा आपको। दोस्तों जब ये अपडेट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये फ़ोन खुद को स्विच ऑफ कर लेता है और दोबारा से रिस्टार्ट होता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका फ़ोन रिस्टार्ट होता है, अब आपको जाना होगा अपने जियो फोन के ऐप स्टोर में, यानी कि जियो ऐप स्टोर में जाना होगा। तो यहाँ पर मैं जियो स्टोर में हूँ, और जैसे जैसे आप ओपन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में, नेट पे डिपेंड करता है कितना तेज आपका नेट है। यहाँ पे आपको ऑल वाले कॉलम में आपको यहाँ पे यूट्यूब मिल जाएगा, गेट दी ऑफिशियल यूट्यूब ऐप, ओके करके ओपन कर लीजिए आप, और इंस्टॉल करना होगा, बीच वाला की प्रेस करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, और आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको फ़ोन के स्क्रीन पे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा, बीच वाला बटन क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, होम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रेंडिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से ट्रेंडिंग वीडियो आप फाइंड कर सकते हो, और कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते हो तो यहाँ पे आप एक नंबर और तीन नंबर की को प्रेस करके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, और साथ ही में अगर आप इसे फुल फ्रेम में करना चाहते हो तो बीच में बटन क्लिक करो आप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये, इसको क्लिक करके आप अपने YouTube एप्लीकेशन को फुल फ्रेम में आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा चल रहा है ये, और इसकी जो क्वालिटी है वो ऑटो मिलती है, यानी कि आप इसको खुद पर खुद सेटिंग नहीं कर सकते हो, ये आपके नेट के स्पीड पर डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी ये चलेगा।